सर ये पानी इतना गंदा मैं कैसा पी सकता हूँ, और आपने इतना गंदा पानी मुझे पीने के लिए दिया, मैं कैसा पी सकता हूँ सर ये पानी, आप बताइए ना। बीमार पड़ेंगे, लेके जाएंगे कोरोना में, बोलेंगे कोरोना की आबादी बढ़ गई और देश की आबादी घटा रहे। आज तक से नहीं आया कोई, और इसी तरीके का पानी कहाँ से पिया जाएगा, कहाँ से टैंकर बुला दो, टैंकर भी नहीं फुटपाथ की जमीन नल, हम लोग एनआईडी में रहते हैं, एनआईडी के ग्राउंड के टैक्स से पानी के टैक्स नल कर सबको देना पड़ता है, फिर भी हमको एप्लीकेशन बार बार देना पड़ रहा है उसके लिए पानी के लिए, समझे। ये लोगों को पानी पिला रहे हैं, सारे मरेंगे नहीं, सारे यही शहर ला के दे दो पब्लिक को। मैं अब्दुल शेख, अभी हम खड़े यशोधर नगर के पास में प्रभाग नंबर 3 में, यहाँ पर बाबू भाई ने हमें फोन करके बुलाया है, तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है इनकी। हाँ बाबू भी बताइए, आप आपने जो फोन करके हमें बुलाया, तो यहाँ की समस्या क्या है आप बताइए। आप मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सबसे पहले आप धूप में से आए हो, ये पानी तो पी, ये पानी सर ये पानी इतना गंदा मैं कैसा पी सकता हूँ, और आपने इतना गंदा पानी मुझे पीने के लिए दिया, मैं कैसा पी सकता हूँ सर ये पानी, आप बताइए ना। जो आप नहीं पी सकते वो जनता कैसे पी सकते, ये जनता का शरीर शक्ति ये बच्चे कैसे पी सकते, ये छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ेंगे, क्या बच्चे बीमार पड़ेंगे, वो लेके जाएंगे कोरोना में, बोलेंगे कोरोना की आबादी बढ़ गई और देश की आबादी घटा रहे हैं, अब पानी इस तरह पिला के लॉकडाउन लगा रहे कि घर के अंदर है, बच्चे को डॉक्टर बोलता है अच्छे से अच्छा खाओ, कहाँ से खाएंगा, उसके पास पैसा रहेगा तो गरीब खाएंगा। ये पानी नल से आ रहा है या बोरिंग से आ रहा है? ये नल से आ रहा है, नल से आ रहा है, कई महीने से ये हाल है। मैंने ये देखिए, मैंने आशी नगर जोन में राठौड़ साहब को देख चुका हूँ, बात वो बोले कि दूसरे दिन क्या नाम के चारों डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, दूसरे दिन चारों डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, आप टेंशन मत लो। वो अगर यकीन नहीं आता तो वो एक शख्स मेरे सामने खड़ा है, उनसे भी पूछ लो। तो आज तक से नहीं आया कोई, और इसी तरीके का पानी कहाँ से पिया जाएगा, कहाँ से टैंकर बुला तो टैंकर भी नहीं भेजता। पानी के लिए आप मतलब यहाँ पर इसके पहले कोई कंप्लेंट किए, इतना गंदा पानी आ रहा है, ये कितने महीनों से आ रहा है? ये हो गया है 4-5 महीनों ज्यादा, हाँ लगातार, पहले आता था नरम नरम, वो भी जन्म के आदमी को दवा डाले हुई है ऐसे अंदाज से पी ले जाता। सबसे पहले तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, एक दूसरे को मतलब एकदम भीड़ और दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का, क्या बोल रहे हैं बताइए। पानी गंदा था, एक भी दिन ऐसा आ रहा है, आई नहीं रहा कि सफा पानी आ रहा करके, एनी टाइम बासा पानी आ रहा, फिर कैसे लोग पियेंगे? नहीं आपका मतलब है कि यहाँ पर आप 10 साल से मतलब ये भुगत रहे, ये यहाँ पर कोई मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, और ये गंदा पानी आप वही गंदा पानी पी रहे, उसी को मतलब इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्या करेंगे जनता, और ये बीमारी हो रही है, लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोग रहते हैं कि जानवर रहते हैं, ये बताओ, यहाँ पे लोग ही रहते हैं ना, ये फिक्र होना कि नहीं सरकार को, मेंबर को, कोई आके देखता नहीं, और ये नल पाइप का दुरुस्ती करते नहीं, क्या फॉल्ट है पता नहीं, गटर पाइप मिला है क्या है, रोज गंदा पानी आ रहा है, क्या पानी आ रहा है? आप क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि हमारे नल में पानी बहुत गंदा आ रहा है, अगर से हमारे बच्चे पिएंगे कितने दिन हो गए गंदा पानी आ रहा है? काफी दिन हो गए, हमने कांतोड़े सरकार भी कंप्लेंट डाले, वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, वो बोलते आऊंगा देखूंगा आऊंगा, हमको आश्वासन दे रहे थे। ये कांतोड़े सर ये कौन है? ये हमारे नगर सेवक है, नगर सेवक है, तो आपको उन्होंने मतलब ये बोले कि आऊंगा देखूंगा, हम लोग रोजा रखते थे उनके कान बोलने के लिए, वो भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? कांतोड़े कांतोड़े 5 साल हो गए बोला था झाके नहीं देगा, सालों का झूठा बोलने के लिए इलेक्शन के टाइम आया था, समझे, ये लोगों को पानी पिला रहे, सारे मरेंगे नहीं, सारे यही शहर लाके दे दो पब्लिक को, लोग क्या बच्चे रह जाइए।
आप देखिए कि यहाँ पर पब्लिक का गुस्सा जायज है कि ये सारे ये मास्क लगा लो और ये कर लो, ये सारे घुट घुट के मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं सारे। आप देखिए ये बताइए पानी सारे ये पानी दे रहे मुस्लिम के सब लोगों के घर से ये जो पानी का अभी पानी ये पानी का जो कनेक्शन है ना ये गडकरी ने किया का? ये जो ये पानी फिल्टर बनवा के रखा ना ये सब सारा ये पानी वो है ये नाले का पानी है। देखिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप गुस्से में आपको गुस्सा गुस्से में नहीं पूरी खड़ी हुई है। आप अपना अगर ये आए ना कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आए तो अभी मट्टी कतल डाल के धड़का सकते हैं। लेकिन आप चैनल के ऊपर गालियां ना दिए, मेहरबानी की माफी चाहता हूँ, आपका गुस्सा जायज है। बाकी आप गाली ना दिए आपका अपना विरोध कर सकते सर। अरे कितना साइन करेंगे, एक बार हो गया, दो बार हो गया, दस बार हो गया, कितना साइन करेंगे? मैं बोल रहा हूँ ये नाले का पानी है, ये फिल्टर बनवा के रखा ले जब से ये नाटक चालू हुआ है। कोई क्या है तमीज से बोलता है, कोई बदतमीजी से बोलता है, मतलब दोनों का है नाराज होना भी। अरे जान खोलेगी तो कुछ भी बोलेगा आज। मेरे हाथ में इतने सारे पेपर है, इतने शर्म की बात है, यहाँ के आशीनगर ढूंढ वाले को किसको भी नहीं आया देखने के वास्ते। इधर उधर से देख में भेज देता, हम कर देंगे पीछे से भी कनेक्शन करेंगे आगे से कनेक्शन। इसको पेपर में भी जो हुआ उससे भी जो दो तीन बार दिखाया, मेन बात है इधर नाले का पानी भी रोक के रखेंगे। पूरा फिल्टर मशीन लगाए है, पानी बंद कर दे रहे, पानी का कचरा जा नहीं रहा, पूरा जमा हो रहा, मच्छर दूसरा फिल्टर वो बनवा रहा है। चेहरा बच्चों देखो ऐसे लाल लाल हुए रहते हैं, दूध पीता बच्चा जो डिलीवरी तो आइए जानते रमजान भाई से जानते हैं। बाकी इन्होंने बहुत ज्ञापन दिया, इन्होंने कहा है हमें, तो आगे के इनकी राय जानते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर मतलब असुविधा हो रही है लोगों को। हम लोग भी दो तीन बार कॉर्पोरेशन भी गए, यहाँ वार्ड मेंबर भी पास में भी गए, उनको क्या बोलते अधिकारी ये लोग हमारे अंडर में काम ही नहीं है और हमारा एरिया भी नहीं है, एरिया भी नहीं है। कॉर्पोरेशन में गए अरिजीत लोग पेपर तो मांग रहे, टैक्स उनको बताओ जो टैक्स मांग रहे किस बात को मांग रहे? फुटपाथ की जमीन है, नल हम लोग NID में रहते हैं, NID के ग्राउंड का टैक्स है, पानी का टैक्स है, नल का सबको देना पड़ता है, फिर भी हमको एप्लीकेशन बार बार देना पड़ रहा है उसके लिए पानी के लिए। इतना खराब पानी आने के बाद कि हमने पीना पानी के टैंक के तले मर जाना करके, इतना खराब पानी यार देखो पानी है, इतना खराब पानी है, ये आज का नल का दिन का पानी है कि कल के दिन पानी का लाएंगे, इससे खराब पानी है कल का। सबको बोल रहे हर वार्ड में बोल रहे हमारे एरिया नहीं है, हमारा फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहाँ जा रहे हैं सब ये? एक मेक पर टटोल रहे पूरे आशी नगर में जा रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अर्जी ले रहे हैं, कल आएंगे, दो दिन आएंगे, आज महीने भर को नहीं है, इसकी अर्जी देखे रखे, हमने इसका कर रहे क्या पता, इतनी अर्जी रखे क्या किए? एक भी बात निकोटी नहीं बोल रहे, सब झूठ सच बोल रहे हैं, और अधिकारी के पास जा रहे ये कॉन्टन की बातें बता रहे, हमको बोलते कोरोना पानी हमने पीना क्या, कि हमने अधिकारी पानी पीना है तुमने, अभी आपने कहा बोले पानी नहीं पीना करके, कि हमारे बाल बच्चे मर रहा ये खुद फांसी लगा ले हमने, फिर कितना खराब पानी आजकल भी हमने पानी, आपने क्या बोले पानी नहीं पी, यहाँ हम लोग पानी पी रहे हैं, ये अभी का नल का निकाला पानी अभी का सूरत का। तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना, क्या बोल बोल तो रहे ये काम करे पहले करके, हाउस बोलते रिजन कोई मसला नहीं निकल रहा है, दोनों गटर लाइन और दो साल लाइन और पानी की लाइन दोनों साथ में चलिए, जब पानी का पाइप खाली होता है, करीब 30 साल हो गया इस लाइन को बैठे हुए, पानी का पाइप खाली होता है तो लोग पानी के यानी मोटर लगाते हैं खींचने के लिए, तो उसके प्रेशर से वो गटर का पानी नल के अंदर उतर जाता है, वजह ये होती है, वजह ये है, होता था ये पहले होता था, लेकिन अब जो है ये फिल्टर जो है पानी, ये जो फिल्टर लगाए हुए ना, जब से ये और ज्यादा वो बोलते नहीं फिल्टर प्लान लगाए तो पानी रुक रहा है, वो पानी रिटर्न आ रहा है, ये रिटर्न आ रहा है, और अभी एक और फिल्टर बना रहे वो और ज्यादा पानी आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आना तुम, मैं फिर बताऊंगा, और नहीं तो सब यहाँ पर पब्लिक जितनी है सब फांसी लगा के यहाँ मरेंगे और गडकरी को फंसाएंगे। ये फिल्टर किसने लगाए यहाँ पर? गडकरी गडकरी ने लगाया है, समझे? ये गडकरी की चाल है ये, कि पब्लिक को कैसा मारना।
समझे। और सारे एक भी झांके नहीं आते, झांके देखने आते कि क्या हमारे वार्ड में हो रहा है, क्या हम कैंडिडेट के देखे के क्या हमारा कैंडिडेट क्या कर रहा है, क्या नहीं बस्ती है कुछ ही नहीं। सिर्फ कब आएंगे वोट के टाइम आएंगे, भैया मेरा ख्याल रखना, भैया मेरा भाई मेरा ख्याल रखना, इसके लिए आएंगे। जब हमारा मौसम निकल जाएगा ना तो हम तो पूरे बजाते यशोधरा के पास में। और सभी लोगों को हमने यहाँ पर आपने देखा कि सभी लोगों से जानकारी ली है और यहाँ के लोग मतलब बहुत परेशान है, इतने परेशान है रमजान के महीने में रोजे की हालत में। इनका कहना है ये सब पानी इन्होंने अपने अपने घर से लाए, नल से भी लाए, मैंने भी कुछ देखा कि नल से पानी इन्होंने निकाल के लाए, ऐसा नहीं कि ये पानी इन्होंने रख दिया दूसरा पानी लेके आए। तो पानी की समस्या बहुत है और रोजे की हालत में लोगों को इतना गंदा पानी पीना पड़ रहा है, इतना गंदा पानी वसी के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा तो मतलब रहेगा ही। इनका भी सबका यही कहना है कि हम ये पानी से बहुत परेशान हो गए और ये पानी पीने के बाद में बहुत सी बीमारियां भी फैल रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, मच्छर बहुत ज्यादा है,